आप सभी ने सूजी का और आटे का हलवा तो काफी बार खाया होगा। आज हम बेसन का हलवा बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनता है और खाने में तो ऐसा है कि मुंह में घुल जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, फ्राइडे किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ नम्रता। तो चलते हैं बनाने के लिए। बेसन का हलवा बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुगर सिरप बनाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें यहाँ पे 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे और फिर यहाँ पे हम 1 कप के करीब चीनी डालेंगे। जितना आप बेसन ले रहे हैं उतना आपको यहाँ पे चीनी लेनी है और इसे यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। बस इसे मेल्ट करना है, यहाँ पे चाशनी नहीं बनानी है इसकी। हम यहाँ पे थोड़ी सी केसर डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें हलवे में कलर भी आ जाएगा और टेस्ट में भी हलवा अच्छा लगेगा। तो बस चीनी को मेल्ट कर लेना है। चीनी यहाँ पे मेल्ट हो गई तो गैस को बंद करके इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे और 1 कप के करीब बेसन है वो हम यहाँ पे डालेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। ऐसे आप बेसन रोस्ट करेंगे ना तो एक तो बेसन जल्दी भुन जाएगा और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ऐसे भून लेना है। अब यहाँ पे बेसन को एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे हम 1/2 कप के करीब घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए फिर हम यहाँ पे बेसन डालेंगे और बेसन को यहाँ पे चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और आपको यहाँ पे जो कुकिंग करनी है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर करनी है। तो ऐसे चलाते हुए भूनते जाना है और जैसे ही ये भून जाएगा ना वैसे ही ये घी छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पे बेसन भून चुका है, अब बेसन का कलर चेंज हो गया और बेसन के यहाँ पे दाने भी दिखने लगे हैं। बस आपको इस स्टेज पे अब शुगर सिरप डालना है। जो शुगर सिरप है आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डाल लेना है क्योंकि फिर इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ना एक तो गला बैठा हुआ है और मेरे मुंह में छाले हैं तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना सुनाई दे रही हो। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी करके ना डालते जाना है और इसे मिलाते जाना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। हम यहाँ पे ऐसे मिलाते जाएंगे, डरने की बात नहीं है, सारा पानी यहाँ पे सोख हो जाएगा क्योंकि बेसन है ना सारा पानी यहाँ पे सोख कर लेगा। क्योंकि जैसे ही बेसन ना पानी के कांटेक्ट में आ जाता ना वैसे ही फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए पहले से ये गाढ़ा हो चुका है, ऐसे हम मिलाते जाएंगे ना तो गाढ़ा होता जाएगा। अब पहले से ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ऐसे मिलाते जाएंगे और यहाँ पे है ना घी छोड़ने लगा है बेसन। तो यहाँ पे हमारा हलवा तैयार है। हम यहाँ पे ऊपर से घी डालेंगे इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं पर आपको टेस्ट चाहिए ना तो आपको घी तो डालना पड़ेगा। तो इसे घी डाल के मिलाते जाना है। इसमें एक तो साइन आ जाएगी और ऊपर से ना हलवा टेस्टी भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हलवे में एक अलग सी शान आ गई है और टेस्ट में तो आप इसे एक बार बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। ऊपर से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट कटे हुए डाल रहे हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे नहीं तो हम इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब तो इतना ही हमें करना है, बस गैस को कर देंगे बंद। तो लीजिए हमारे यहाँ पे बेसन का हलवा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे बेसन के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ।